हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे यार। अच्छे तो नहीं होंगे ना, मैथमेटिक्स 2 का पेपर मतलब आधे बच्चों का अच्छा गया और आधे बच्चों का खराब गया है ना। बोलोगे सर, इंग्लिश के साथ में आप ये मैथ्स कहाँ से ले आ रहे हो? यार देखो, मैथ्स के साथ दिक्कत क्या हुआ कि आप लोगों की आंखें देर से खुली, तो जिन बच्चों ने देर से पढ़ना स्टार्ट करा उनका पेपर खराब गया, और जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा उनका पेपर बहुत अच्छा गया। एक डिफरेंस है यार। अगर मेरे खुद के बच्चों की बात की जाए तो 60% बच्चों का पेपर अच्छा गया, 40% का खराब गया। खराब जाने वालों के पीछे रीजन वही था कि उन्होंने लेट से पढ़ना स्टार्ट किया, वो पढ़ ही नहीं पाए। अगर पढ़ लेते यार तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। यूनिट 5 थोड़ा सा टफ था, लेकिन यूनिट 5 में गॉस डाइवर्जन 14 मार्क्स का था बेटा, ठीक है। तो अगर किसी ने उसको अटेम्प्ट करा है, क्योंकि देखो टफ क्वेश्चन जब कोई अटेम्प्ट करता है तो पास होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर आप रिपोर्ट राइटिंग की, अगर मैं मैथमेटिक्स यू क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बोलूंगा नहीं तो दिल हल्का नहीं होगा। एक कॉमन मिस्टेक जो सबने की, देर से पढ़ना स्टार्ट करा। तो यार अब गलतियों से सीखना, अब देर मत करना यार, क्योंकि अगर नहीं सीखोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे यार। बहुत मतलब बहुत बच्चों का कॉल है कि पेपर उनका बहुत अच्छा गया, ऑसम गया। कुछ बच्चों का कॉल है सर पेपर नहीं गया। रीजन क्या था कि भाई हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की, पूरा नहीं पढ़ पाए सर, और पूरा पढ़ने के बाद छोड़ो सोने पे सुहागा, आपको गैप भी नहीं मिला सीएस वालों को, है ना। फिजिक्स का पेपर देख रहा, एक दिन का गैप था, और एक दिन के गैप में उतना बड़ा सिलेबस को रिवाइज करना पॉसिबल नहीं था। तो खैर ठीक है, जो हुआ उसको रहने देते हैं, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो घबराइए मत, जिनका पेपर खराब भी गया आप बाकी के पेपर को अच्छा कीजिए। आगे क्या करना है इसके बारे में बात हम लोग बाद में करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है, ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है? अब देखो एग्जाम में या तो आपको प्रिसाइज राइटिंग का डेफिनेशन बोल देगा, या तो आपको एक पैराग्राफ दे देगा बहुत बड़ा सा, ये डिटेल में क्या करेगा, पैराग्राफ दे देगा और बोलेगा कि इस पैराग्राफ से आप क्या कीजिए, आप प्रिसाइज राइटिंग कीजिए। तो सवाल ये उठता है कि प्रिसाइज राइटिंग होता क्या है, आएगा क्वेश्चन यहां से आना चाहिए, या तो इसका डेफिनेशन आना चाहिए, या तो मेरा प्यारा बच्चा एक प्रिसाइज राइटिंग आपको लिखने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो देखो बेटा प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं अपने प्रधानमंत्री को ले लेते हैं, तो यार इनके पास क्या है ना कि टाइम कम है, इनके पास क्या है टाइम कम है, लेकिन इनको काम बहुत ज्यादा करना है, ठीक है। अब इनको क्या है कि अगर मान के चलो कि देश हमारा बहुत बड़ा है, और अगर हर जिले की वो बात सुनेंगे तो 500 जिले, यार आप सोचो कि किसी जिले की बात सुनने में उनको बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो अगर वो पूरे डिटेल में चीजों को करते हैं यार, तो उनको सुनने में सोचो कर एक जिले को वो एक दिन में सुनते हैं तो 500 जिले हैं, तो एक साल तो ऐसे सिर्फ सुनने में चला जाएगा, है ना। अगर वो डिटेल में सुनते हैं तो उनके लिए क्या किया जाता है बेटा, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके लिए प्रिसाइज राइटिंग किया जाता है। प्रिसाइज राइटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी घटना होता है ना, जो भी चीजें हो गई, जो बातें हम उनको बताना चाहते हैं, वो उनको शॉर्ट वे में बताते हैं। उनको क्या करते हैं बेटा, शॉर्ट में बताते हैं, ठीक है। और वो शॉर्ट इतना थोड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब प्रिसाइज राइटिंग के लिए लोग हायर किए जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग हायर करते हैं प्रिसाइज राइटिंग, क्योंकि वो क्या करते हैं पूरी घटना को पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको क्या करते हैं बेटा, कलेक्ट करते हैं। तो इस बात को आप नोट करना कि पूरे घटना को पढ़ना है, एनालाइज करना है, ठीक है, और टू द पॉइंट बताना है। अब होता होगा कभी कभी पापा के पास जाते हो, पापा तबियत पापा या पॉइंट की बातें करो, बस यहाँ पे पॉइंट की बातें करना है। लेकिन एक बात समझना कि पॉइंट की बातों में, ठीक है, अपन को शॉर्ट तो करना है लेकिन उसमें कुछ हम लोग ऐड नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं कि शॉर्ट करने के चक्कर में आपने कहानी में कुछ ऐड कर दिया, नहीं, आप अपने तरफ से कुछ भी एडिशन नहीं कर सकते। तो प्रिसाइज राइटिंग का मतलब ये होता है बेटा कि जो भी आप बताना चाहते हो पैराग्राफ को, उसको क्या करना, शॉर्ट में करना। उसको क्या करना बेटा, शॉर्ट में करना। मैं एक आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं बेटा कि जैसे कुछ मूवी बनती है, तो मूवी होता है 2 घंटे का, मूवी क्या होता है बेटा 2 घंटे का, ठीक है। और देखना उसके मूवीज पे ना 12-13 मिनट का एक वीडियो भी बनता है, जो क्या करता है उस 12-13 मिनट में पूरे मूवी को क्या करता है, एक्सप्लेन कर देता है। तो एक्चुअली में वो मूवी को क्या कर रहा है, प्रिसाइज कर रहा है। जैसे एक बार मैंने यूट्यूब में सर्च किया द नन ऐसे कुछ मूवी, तो प्रिसाइज राइटिंग आ गया कि वहां पे एक नन रहा करती थी, वो चुड़ैल थी, तो फिर फलाना, तो वो क्या किया 13 मिनट में पूरे फिल्म को क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। तो वो एक्चुअली में वो क्या कर रहा है, वो उस मूवी का प्रिसाइज कर रहा है, मतलब मूवी के बारे में बता रहा है शॉर्ट में। तो अगर अपन को प्रिसाइज राइटिंग आता है, ठीक है, तो अपन को भी क्या करना है बेटा, उसी घटना को शॉर्ट में बताना है, जो अननेसेसरी चीजें उनको क्या करना है, हटा देना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, हो सकता है कि आपको प्रिसाइज राइटिंग का डेफिनेशन दे दें कि व्हाट इज प्रिसाइज राइटिंग, तो आप ये लिखना,
ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मेंशनिंग ऑल द एसेंशियल पॉइंट, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब छोटा होगा, जिसमें सारे एसेंशियल पॉइंट क्या होंगे बेटा, मेंशन होंगे, एंड गिविंग अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट द पैसेज से, एंड आइडिया भी देना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, मतलब आपको शॉर्ट में बताना तो है लेकिन बेटा उसके आइडियोलॉजी को चेंज नहीं करना, ठीक है, मतलब जो वो बोलना चाहता है, जो उसकी आइडियोलॉजी, उसको अपन छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस शॉर्ट में करना, अननेसेसरी चीजों को क्या करना है बेटा, हटाना है, वही क्या होता है, प्रिसाइज राइटिंग कहलाता है, ठीक है। तो प्रिसाइज राइटिंग अपन क्या करते हैं बेटा, समरी ऑफ पैसेज लिखते हैं, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए बेटा, उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, उसमें फिर क्या बेटा, इन्फॉर्मेशन इन ब्रीफ, ये इन्फॉर्मेशन इन ब्रीफ, एक मिनट, ऊपर से फिर क्या बेटा, क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है, और कंप्लीटनेस होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ब्रीफ में, मतलब ज्यादा आप मान के जो फैलावा नहीं, ज्यादा फैलावा नहीं। तो अगर आपको प्रिसाइज राइटिंग देता है एग्जाम में, अगर आपको प्रिसाइज राइटिंग देता है तो आप क्या करना है, कैसे चरपुट बनाना, ठीक है, ये वाला डेफिनेशन इसके अंदर लिख देना, ठीक है, फिर ऐसे करना, एक ऐसे गोला बनाना, इस गोला में लिख देना समरी ऑफ पैसेज, फिर ऐसे क्या करना है, गोला बनाना, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना क्लैरिटी, ठीक है, फिर ऐसे क्या करना है, गोला बनाना, ठीक है, यहाँ पे लिख देना कंप्लीटनेस, ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पर गोला बनाना और वहाँ पे लिख देना करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और उसके बाद क्या करना बेटा, ये पूरा एक ग्राफ बना देना अच्छे से, इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा, इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा, एक पेज में इसको बना देना बहुत अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद वाले पेज में इसी को क्या करना, अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, ये दिमाग वाली बात हुई, पेज भरने की बात हुई, कि ये जो मैं हमने आपको लिखवाया ना, इसको अगर आपको एग्जाम में आ जाता है प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में प्रिसाइज राइटिंग आ जाता है तो आप इस तरीके से लिखना बेटा, फिर से समझ लो लिखना कैसे है, आ तो जाएगा ही मानकर चलो, अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि एक्सप्लेन प्रिसाइज राइटिंग द व्हाट इज प्रिसाइज राइटिंग, तो सबसे पहले एक गोला का इस तरीके से करना बीच में, ठीक है, और बीच में ये डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद ऐसा गोला करना, इस एरो को ऐसे मिला देना, फिर ऐसे गोला करना, इस एरो को ऐसे मिला देना, मैं इसी तरीके से लिखता था आंसर अपने, ठीक है, ये आपने शॉर्ट में बता दिया इस तरीके से, ठीक है, कीप टोन फॉर्मल इस तरीके से, तो ये हमारा एक पेज भर गया, इससे क्या हुआ, हमने कम लिखा लेकिन एक पेज भर गया। अब इसके बाद वाले पेज में क्या करना, इसी को एक्सप्लेन कर देना, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो इसमें लिखना कि इन प्रिसाइज राइटिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन, ठीक है, उसके बाद इन प्रिसाइज राइटिंग द पैराग्राफ शुड बी कंप्लीटनेस, मतलब कंप्लीटनेस लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ उसको मतलब समझ में ना, कंप्लीटनेस मतलब कंप्लीट मतलब क्या कि सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ जो बोलना चाह रहा हूँ पूरा कंप्लीट है, ठीक है, एंड द टोन विल बी फॉर्मल, मतलब ये आपने जो लिखा है ये बेवकूफ बनाने वाली बात है, इसको आप एक तरीके से लिखना, उसके बगल वाले पेज में इसी को क्या करना, एक्सप्लेन कर देना, सही में बता रहा हूं, अगर सात नंबर का आया तो सात में सात मिल गया, ठीक है बेटा। चलिए अब मान लो प्रिसाइज राइटिंग नहीं आता है, यार देखो मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने गलत बता दिया ना, फलाना डिमा का इसकी बात मैं नहीं करता, ठीक है, मैं फालतू लोगों की बात ही नहीं करता, लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, आई एम नॉट अ टीचर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं हूं, आज संडे है, अपना संडे खराब कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खराब नहीं कर रहा हूं, मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं भाई, उठा सुबह पोहा खाया, आया भैया मैंने इसको रेडी करा, यहाँ पे डाला, क्या बाकी सब संडे को एंजॉय कर रहे, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं मेहनत। अगर आ गया व्हाट इज प्रिसाइज राइटिंग, एक पेज में ये बनाना बेहतरीन, ठीक है, दूसरे पेज में उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। अब देखो बेटा कि अगर आपको प्रिसाइज राइटिंग का डेफिनेशन नहीं दिया, आपको दे दिया कि एक पैराग्राफ, आपको दे दिया एक पैराग्राफ, और उसी पैराग्राफ से आपको क्या करना है, प्रिसाइज राइटिंग, ये दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, उसी पैराग्राफ से आपको बोलेगा कि प्रिसाइज राइटिंग करो। तो देखो बेटा कुछ गलती है जो हम लोग करते हैं, ठीक है, पूरे प्रिसाइज राइटिंग में बेटा आई और वी का यूज मत करना, आई और वी का यूज पूरे प्रिसाइज राइटिंग में आपको नहीं करना, साथ ही साथ बेटा डोंट मेंशन एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई भी अलग से इंफॉर्मेशन मत देना, ठीक है, जो आपने पढ़ा है पैराग्राफ को पढ़कर आप क्या समझ रहे हो बस उसी को आपको लिखना है। प्रिसाइज राइटिंग मेरे हिसाब से 100 वर्ड में लिखोगे, 50 से 100 वर्ड में काफी है, ठीक है। उसके बाद बेटा डोंट एड्रेस द रॉन्ग फैक्ट एंड फिगर, मतलब कुछ भी आप रॉन्ग एड्रेस मतलब नहीं करना, कोई गलत चीज, कोई मतलब आप अपने मन से कुछ एडिशन मत करना, कोई भी फैक्ट वगैरह हो गया उसको आप एड्रेस मत करना जो रॉन्ग हो, ठीक है बेटा। डोंट कॉम्प्लिकेटेड, एकदम सिंपल रखो, मैंने क्या बोला फिर से मेरी बात समझना, कि वो मूवीज को एक्सप्लेन कर रहा है, 2 घंटे की मूवी को 15 मिनट में, आपको बस पूरे पैराग्राफ को क्या करना, शॉर्ट करना है,
ठीक है, तो अब या तो आपको क्वेश्चन में देगा व्हाट इज प्रिसाइज राइटिंग, या तो आपको एक बड़ा पैराग्राफ दे देगा और उस पैराग्राफ से बेटा आपको प्रिसाइज राइटिंग करना होगा। तो मैं बोलूंगा कि आप शिवानी खोलो, दो तीन प्रिसाइज राइटिंग कर लो, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से प्रिसाइज राइटिंग लिखा जाता है। ठीक है, बस उसमें देखना कि आई और वी का यूज नहीं होता, जहां आप आई और वी का यूज करोगे वो क्या करेगा बेटा, काट देगा। डोंट कॉपी द सेंटेंस फ्रॉम द ओरिजिनल, पूरा सेंटेंस कॉपी मत करना ओरिजिनल से, ठीक है, बस टोन कॉपी करना, पूरा सेंटेंस कॉपी नहीं करना। ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ आप यहाँ पे लिख दो, आप दो तीन प्रिसाइज राइटिंग देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको आई और वी का यूज नहीं करना है और पूरे सेंटेंस को कॉपी मत करना, वर्ड्स को आप कॉपी कर सकते हो, वर्ड्स को आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रिसाइज राइटिंग। अब बात करते हैं हम लोग रिपोर्ट राइटिंग पे। अब यार देखो यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज लेबोरेटरी रिपोर्ट। अब भाई एक बात समझना, क्लास 8 से हम लोग लेबोरेटरी रिपोर्ट कर रहे हैं, क्लास 8 से जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, आपने अभी भी करा होगा, आपने अभी भी प्रैक्टिकल के लिए अपना प्रैक्टिकल फाइल तैयार किया होगा। तो प्रैक्टिकल फाइल में आप लोग क्या लिखते हो, आप लोग लिखते हो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उसके बाद क्या लिखते हो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हो थ्योरी, थ्योरी के बाद क्या लिखते हो कैलकुलेशन, उसके बाद ऑब्जर्वेशन। तो वही तो आपका लेबोरेटरी रिपोर्ट है मेरे भाई, जो आप लोग अपने कॉलेज में सबमिट करते हो। आई बात समझ में, जो आप लोग अपने कॉलेज में देते हो वही आपका लैब रिपोर्ट होता है, है ना। आप लोगों ने तैयार भी करा होगा, अभी बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए बीएमई के लिए तैयार करा होगा कि टू स्ट्रोक इंजन के लिए क्या करते हैं, फिजिक्स के लिए आप लोगों ने तैयार करा होगा। तो जो एक्सपेरिमेंट हम लोग लैब में परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करने के बाद हम लोग सीखे क्या है उसके लिए रिपोर्ट बनाते हैं ना, आप लोग क्या करते हो हमेशा छाप लेते हो, भाई छापने वाला काम नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग लेबोरेटरी रिपोर्ट बोलते हैं। तो अगर आपको लेबोरेटरी रिपोर्ट दे रहा है कि आप डिस्क्राइब कीजिए कि लेबोरेटरी रिपोर्ट क्या होता है बेटा, तो आप ये थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेना, हल्का सा थोड़ा बहुत दो तीन लाइन लिख देना। चलिए बेटा, तो अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हेडिंग लिखना है। तो ये वाला क्या है बेटा आपका, ये वाला आपका हेडिंग है। तो हेडिंग में अपन क्या मेंशन करते हैं, हेडिंग में अपन मेंशन करते हैं कि आपने किस पे रिपोर्ट बनाया, आपने किस पे रिपोर्ट बनाया, क्योंकि ये हेडिंग होना चाहिए ना, क्योंकि अगर रिपोर्ट कहीं पर जाएगा तो पता तो होना चाहिए कि हाँ ये आग लगने का रिपोर्ट था। जैसे आप FIR पे जाते हो तो वहां पर लिखता है कि हाँ किसके विषय में, आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो लिखते हो ना हेडिंग, तब ना आपको पता चलता है कि हाँ ये वाला है, बिना हेडिंग के आप कैसे करोगे। तो रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले क्या होता है बेटा, हेडिंग होता है, ठीक है। तो हेडिंग में आपको क्या करना है, हेडिंग में आप लिख दो किस पे आप रिपोर्ट लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो और आप कौन है, ये आपका क्या हो गया, हेडिंग हो गया, ठीक है बेटा। हेडिंग के बाद आपको लिखना है एक्सपेरिमेंट नंबर, तो एक्सपेरिमेंट नंबर आप कुछ भी दे दो 2-1। उसके बाद लिखना डेट ऑफ कंक्लूजन, कब हुआ था और आपने कब सबमिट करा है, ठीक है। तो डेट ऑफ परफॉर्मेंस ये था 10 और डेट ऑफ सबमिशन ये हो गया 20। इस पे क्या रखना बेटा, थोड़ा सा गैप रखना, ठीक है, कि डेट ऑफ परफॉर्मेंस और डेट ऑफ सबमिशन में क्या रखना बेटा, थोड़ा सा गैप रखना, ठीक है। चलो, उसके बाद आपका क्या बेटा, वही ऑब्जेक्ट, उसके बाद अपरेटस यूज, मेथड ऑफ प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड सिग्नेचर। ये आपका वही क्लास 10th 11th में जो आप लोग करते थे वो एक यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख देना, ठीक है। तो अगर आपके पास समय हो तो अभी गूगल करके देख लेना, आपको ध्यान आ जाएगा। ओम्स लॉ वाला करते थे ना, ओम्स लॉ में ऐसा एक फिगर बनता था, ठीक है, ये आपका VI का ऐसा ग्राफ बनता था, फिर एक अपन टेबल बनाते थे, तो बस वही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है बेटा। चलिए, तो फिर से मेरी बात को आप समझना कि लेबोरेटरी रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, कि जो हम लोग लैब में करते थे क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में, बस उसी को जो हम लोग कॉपी में लिखते थे ना बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी रिपोर्ट बोलते हैं। तो अगर आपको लेबोरेटरी रिपोर्ट आता है तो आप पहले लेबोरेटरी रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा लिख देना, ठीक है। लिखने के बाद बेटा ये पॉइंट्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप देखो, मैं सिर्फ यहां तक बता रहा हूं, ये पॉइंट्स मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये पॉइंट्स मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप ये कर लोगे, कुछ नहीं, आपका ऑब्जेक्ट क्या होता था, क्यों आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कौन सा ऑपरेटस यूज होगा, ठीक है, प्रोसेस हो गया, प्रोसेस के बाद क्या ऑब्जर्वेशन करा, फिर कंक्लूजन क्या निकला, सिग्नेचर, ये खुद से कर सकते हो क्योंकि क्लास 8, 9, 10 से आप ये चीजें लिख रहे हो। चलो, तो प्रिसाइज राइटिंग हो गया, लेबोरेटरी रिपोर्ट हो गया। चलिए बेटा, अब बात करते हैं, देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको बताया प्रिसाइज राइटिंग। बोलोगे ठीक है सर, आपने हमें बताया प्रिसाइज राइटिंग, जहां पर पैराग्राफ को अपन क्या करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक ये जानकारी बढ़िया रही। उसके बाद मैंने आपको बताया लेबोरेटरी रिपोर्ट, मतलब जो आप लोग अपने लैब में जो अपना कॉपी तैयार करते थे वही आपका क्या होता है बेटा, लेबोरेटरी रिपोर्ट होता है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सीडेंटल रिपोर्ट का।
ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना बेटा, जो टेक्निकल एक्सीडेंट होते हैं ना, मतलब कि आग लग जाना, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसका रिपोर्ट सबमिट करते हैं। आप लोग मुंहजवानी नहीं करेंगे, नहीं यार सर वहां तो आग लग गया, 10 का लॉस हो गया, तो नहीं। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है बेटा, तो उसका क्या करते हैं हम लोग, रिपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, रिपोर्ट करते हैं कि आग, पहली बात तो आग लगा क्यों, ठीक है, अपन उसका काउज भी फायर करते हैं कि भैया क्यों आग लगा, ठीक है, क्यों ये घटना हुई। रिपोर्ट में ये चीज मेंशन होता है बेटा, और साथ ही साथ ये भी मेंशन होता है कि अपन को लॉसेस कितने हुए इसमें, यहां पर अपन को लॉसेस कितने हुए। चलिए, तो प्रिसाइज राइटिंग लेबोरेटरी रिपोर्ट के बाद हम लोग यहाँ पे बात करने हैं एक्सीडेंटल रिपोर्ट राइटिंग का। एक्सीडेंटल रिपोर्ट राइटिंग इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग रीजन पता कर पाए कि एक्सीडेंट हुआ क्या, क्योंकि अगर अपन को पता चल जाएगा कि हाँ इस वजह से ये हुआ, तो अपन क्या करेंगे फिर अगली बार से उसका ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जो लॉसेज अपन को होते हैं उसे अपन को क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है कि assuming to be the head of department of electronics and communication in your institute, write a report on accident that occur in one of the laboratory. कि आप क्या हो बेटा, आप HOD हो electronics and communication department के अपने institute के, आपको क्या करना है, एक accident का report बनाना है जो कि आप एक laboratory में हुआ था, जो कि एक laboratory में हुआ था, मतलब laboratory में आग लग गई है ना। अब आप HOD हो electronics and communication department के, अब आपको क्या करना, समीक्षा करनी है कि भैया वहां पर आग कब लगा, आग का कारण क्या था, ठीक है, और साथ ही साथ क्या लॉसेस हुए वो आपको लिखना है। देखो बेटा, रिपोर्ट राइटिंग में एक बात समझना कि कोई भी चीज ना प्रेजेंट में मत लिखना, प्रेजेंट इन द सेंस मेरा बेटा कि इज और एम का यूज मत करना, आप क्या करना, यूज करना पास्ट का, ठीक है। तो यहां पर रिपोर्ट राइटिंग में जो भी यूज होगा बेटा वो होगा वाज और वेयर का, वाज और वेयर का यूज होगा, ये बात देखना। इज वगैरह से बचने की जरूरत है, इज वगैरह से बचने की जरूरत है, मतलब जो भी चीजें आप लिखोगे वो पास्ट में लिखोगे, ठीक है। और मैंने आपको एम बता दिया ना, रिपोर्ट राइटिंग क्यों होता है बेटा, क्योंकि पहली बात तो क्या घटना हुई, किसकी वजह से हुई, और उस घटना से अपन को क्या क्या लॉसेज हुआ, उसको एनालाइज करने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम लोग रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। वरना कोई आएगा बोलेगा अरे यार 15 लाख जल गया, कोई आएगा भाई 10 लाख जल गया। तो चोरी के केस में ऐसा होता है कि अगर किसी के दुकान में बेटा 200 रुपए की चोरी होती है तो वो 2000 बताता है, हमदर्दी लेने के लिए। इंडिया का मतलब ये है, थोड़ा हमदर्दी मिले, चोरी तो हुआ है 200 की चोरी हुई, लेकिन वो बताएगा 2000 की चोरी हुई है। तो भैया इन सब चीजों से बचना है कि अगर 10 लाख का आपका लॉस हुआ तो आगे भी 10 लाख ही रहे, है ना, ऐसा नहीं कि 10 का फिर आप क्या कर दो 20 कर दो। इसलिए क्या होता है बेटा, रिपोर्ट राइटिंग होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप सबसे पहले हेडिंग लिखोगे, सबसे पहले आपका काम क्या है, हेडिंग लिखना। बिना हेडिंग के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप कोई चैप्टर वगैरह पढ़ते हो बेटा तो हेडिंग लिखते हो, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये इस वाली घटना का, ठीक है, अगर कोई दूसरी घटना हुआ तो उसके लिए वो दूसरी रिपोर्ट राइटिंग है। तो हेडिंग आपको सबसे पहले लिखना है कि आपको रिपोर्ट ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू फायर, फायर की वजह से जो एक्सीडेंट हुआ, कौन प्रिपेयर कर रहा है उसको, सॉरी प्रिपेयर फॉर, किसके लिए प्रिपेयर कर रहा हो, प्रिंसिपल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और कौन कर रहा है बेटा, HOD कर रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लिखना कि क्या हुआ, किसे सबमिट करना है और कौन बना रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या बेटा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप सबसे पहले लिखोगे। तो यहाँ पे देखो, टू इन्वेस्टिगेट द काउज ऑफ फायर एक्सीडेंट ऑन जर्वरी इतना इन लेबोरेटरी, द अंडर साइन इन चार्ज ऑफ द लेबोरेटरी वाज ऑथराइज बाय द प्रिंसिपल, ठीक है, मेट्रो कॉलेज एज बी मीटिंग हेल्ड। इतनी मीटिंग में इस HOD को क्या किया गया बेटा, असाइन किया गया। तो यहाँ पे क्या है बेटा, सबसे पहले आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि इस वाले मीटिंग में, ये जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में आपको असाइन किया गया है कि आप जाइए और इसका रिपोर्ट राइटिंग तैयार कीजिए, ठीक है बेटा। चलिए, तो देखो यहाँ सबसे पहला क्या है बेटा, प्रोसीजर आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्रोसीजर रखना पड़ेगा। तो प्रोसीजिंग में आपको क्या करना, कि यहाँ पर समझ लो कि प्रोसीजर का मतलब होता है पूछताछ। अब यह ताछ में कैसे लिखूं, TACH। प्रोसीजर में क्या होता है बेटा, पूछताछ होता है। क्या होता है बेटा, पूछताछ होता है, लोगों को अपन पूछताछ करते हैं। लेकिन एक बात समझना कि पूछताछ कभी इकट्ठा नहीं होता, अलग अलग। आपने देखा होगा कभी मिस्ट्री फिल्म, तो अलग अलग पूछताछ होता है कि हाँ भैया तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ था, तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ था, फिर उन बातों को मैचअप किया जाता है तो चीजें समझ में आती है कि अगर वो भी वही बात बोल रहा और ये भी वही बात बोल रहा, मतलब ये बात क्या है, सच है। तो एक बात याद रखना कि जब भी प्रोसीजर होता है बेटा, ठीक है, उसके में क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको पूछताछ करना, और पूछताछ क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा, ठीक है। और इसी पूछताछ के बाद बेटा आपको वहां पे विजिट भी करना है, लैब में क्या करना है आपको विजिट भी करना, और साथ ही साथ उस लैब का फिर क्या करना है, कंडीशन आपको एनालाइज करना है। कंडीशन क्या करना है बेटा,
एनालाइज करना। तो इसी कंडीशन एनालाइज में क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो पूरी तरीके से खराब हो जाती हैं और कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो बच जाती हैं। तो बेसिकली क्या करना प्रोसीजर में, पूछताछ, ठीक है, लैब आपको विजिट करना और साथ ही साथ आपको देखना है कंडीशन की क्या कंडीशन है, उसको क्या करना है आपको एनालाइज करना है। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद आते हैं मेन पॉइंट फाइंडिंग्स पे कि आपने खोजा क्या। देखो यहाँ पे लिखा हुआ द मेंटेनेंस ऑफ द सेंटर इज लुक आफ्टर बाय द मेंटेनेंस इंचार्ज अंडर होम द इलेक्ट्रीशियन एंड टेक्निकल वर्क द फायर एक्सीडेंट टुक प्लेस एंड इतना बजे फायर एक्सीडेंट हुआ। ऑन मेकिंग डिटेल इन्वेस्टिगेशन आई हैव फाउंड दैट वाज द लैब टेक्निकल हु वाज फॉल्ट बिकॉज ही इज केयरलेस एंड कैजुअल अप्रोच विच हैज बीन अर्लियर आल्सो रिजल्टेड इन टू माइनर एक्सीडेंट। यहाँ पर लिखा जा रहा है बेटा कि आपके इन्वेस्टिगेशन से मुताबिक कि जो लैब टेक्नीशियन था उसकी लापरवाही के वजह से एक्सीडेंट हुए, लेकिन दो माइनर एक्सीडेंट हुए थे लेकिन ये क्या हुआ मेजर हो गया, मतलब लापरवाही। आपने यहाँ पे लापरवाही का ठीकरा किस पे फोड़ा, लैब टेक्नीशियन पे। ठीक है, तो आपने पहले नहीं फोड़ा, प्रोसीजर में आपने पहले चीजों को एनालाइज करा कि किसकी गलती थी, आपने ये देखा, लैब विजिट करा, कंडीशन को एनालाइज करा, सबसे पूछताछ किया और उसके बाद फाइंडिंग में आपको ये पता चला कि भैया जो आग थी वो इतने तारीख को इतने बजे लगी थी, ठीक है, और आग लगने का कारण कौन है, वो लैब टेक्नीशियन है जिसके वजह से आग लगी। ठीक है बेटा, चलिए, मतलब इससे पहले भी दो छोटे छोटे एक्सीडेंट हो चुके थे लेकिन उनको नजरअंदाज किया गया, इसलिए तीसरी बार क्या हुआ बेटा, बड़ा घटना हो गया। ठीक है, ये एक्सीडेंट घटाया जा सकता था, यहां पर आप ये भी लिखा फाइंडिंग में कि ये एक्सीडेंट को रोका जा सकता था लेकिन ड्यू टू मिस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लापरवाही को क्या बोलता है, क्या बोलते हैं लापरवाही को, यहाँ कहीं दिख रहा है क्या लापरवाही को क्या बोलते हैं, बताओ यार मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। हाँ, लापरवाही को क्या बोलते हैं, गूगल कर लें क्या, लापरवाही को क्या बोलते हैं, हाँ केयरलेस क्या बोलते हैं, केयरलेस। ठीक है, चले, तो आपने फाइंडिंग्स में ये पकड़ा कि किसकी गलती थी, ठीक है, और फिर आपने ये भी लिखा कि एक्सीडेंट हुआ इतने बजे फलाना डिमा का, ठीक है, और अगर ये मेंटेनेंस होते रहता तो फिर एक्सीडेंट नहीं होता और इतना लॉस अपन को इसमें हुआ। तो ये अपन ने क्या लिखा बेटा, फाइंडिंग में लिखा, उसके बाद कंक्लूजन आपको लिख देना, ठीक है, कि द लैब टेक्नीशियन शोड नेग्लिजिबल टुवर्ड द ड्यूटी, लैब टेक्नीशियन ने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं की, ठीक है, जो टीचर थे प्यून, तो जिसको इसको फंसाना है यहाँ पे फंसा दो, आके कंक्लूजन में आप फंसा दो, ठीक है, किसी को मानो उसको फंसा दो बेटा, प्यून को पकड़ो तेरे वैसा लगे, फंसा दो उसको, ठीक है, हाँ भैया हम तो ऐसे ही पढ़ते थे। ठीक, प्रोसीजर में आपने क्या करा, फाइंडिंग्स में आपने क्या फाइंड करा और कंक्लूजन क्या निकला, क्या ये होता नहीं भाई, दलीलें सुनने के बाद तुम मुजरिम हो, जिसको मन उसको फंसा देना, प्यून को फंसा देना, मैडम से गुस्सा हो तो मैडम को फंसा देना, अगर किसी सर से गुस्सा हो तो तुम सर को फंसा देना, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है बेटा, उसके बाद रिकमेंडेशन आपका रहेगा कि आप क्या रिकमेंड करोगे, कि उसको पहली बात तो रिकमेंड आप ये करोगे कि स्टाफ को आप चेंज करो, ठीक है, और कुछ नियम कानून लेकर आओ, रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आओ बेटा, ताकि वो चीज़ें क्या हो, दोबारा ना हो। देखो, आई एम नॉट अ टीचर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन इतना घटिया भी नहीं बताया कि आप ना कर पाओ, बस आप ध्यान रखना कि आपको लिख कर आना है, भले गलत हो या सही हो, लेकिन आपका आंसर उसी तरीके से रहेगा, जैसे कि प्रोसीजर में आप लिखोगे कि हमने क्या किया, सबसे जाके इंक्वायरी की, ठीक है, अलग अलग से प्यून से करा, टीचर से करा, अलग अलग इंक्वायरी की, ठीक है, फिर मैं गया वहाँ पर, खुद लैब को विजिट करा, कब विजिट किया ये भी लिख देना, विजिट करने के बाद हमने देखा वहाँ पे क्या कंडीशन था, देन आई वाज एनालाइज की इतनी सारी चीज़ें बच गई, मतलब लैब राइटिंग है तो छोटा यार, मैं लिखता सारा चार चार पाँच पाँच पे ही लिख देता कि भैया फलाना चीज़ ये बोतल बच गया, फर्नीचर जल गया, तो ये अपन एनालाइज करें। उसके बाद आपको क्या लिखना है, फाइंडिंग लिखना है, तो फाइंडिंग में क्या है बेटा, फाइंडिंग में कि आप किसी को देखोगे ना आपको पता चलेगा गलती क्यों हुई, तो यहाँ पर आपने देखा कि लैब टेक्नीशियन लापरवाह था इसलिए गलती हुई, इस गलती को टाला जा सकता था, अगर लैब टेक्नीशियन क्या होता, अच्छा होता, ठीक है, वो थोड़ा सा लापरवाह नहीं होता, केयरलेस नहीं होता, तो ये घटना भी क्या मेरे प्यारे बच्चों नहीं होती। ठीक है, टाइम वगैरह आपको मेंशन करना है, ठीक, उसके बाद क्या है बेटा कि जो लॉस हुआ वो आपको मेंशन करना कि आपके हिसाब से इतना लॉस हुआ, उसके बाद आपको कंक्लूजन निकलना, कंक्लूजन मतलब क्या भैया कि उस जो है आपका लैब टेक्नीशियन उसको हटाओ, ठीक है, और अगर जो इक्विपमेंट है जिसकी वजह से आग लगी उनको भी क्या करना है, अपन को इम्प्रूव करना है, ठीक है, और तो फिर आप यहाँ पर रिकमेंडेशन में वो चीज़ करोगे कि भैया अब जो स्विच वगैरह वो अच्छा लगवाओ ताकि वैसी घटना ना हो जिस घटना की वजह से वैसा हुआ था। तो यार ये अपने ऊपर है, अपने स्किल्स के ऊपर में, तो आप कोशिश करो, भले 10 नंबर का आता, अगर आप कोशिश करोगे अच्छे से अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो आराम से 7-8 नंबर मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, जब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।